अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम आपको आपके अपने चैनल अबासी हेल्थ क्लब में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि एक औरत कब तक माँ बन सकती है या एक औरत कब तक बच्चे पैदा कर सकती है। डियर व्यूअर्स, हर औरत की ये फितरी ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने, मगर हर 100 में से 2 या 3 ऐसी होती हैं जो माँ बनने की सलाहियत से मालूम होती हैं। बाकी 98% औरतों को अल्लाह ताला ने इस नामत से नवाजा होता है कि वो माँ बन सकें। डियर व्यूअर, इसकी कई तिबी वजूहात हो सकती हैं, मगर एक लड़की जब बालिग हो जाती है तो अल्लाह पाक उसे माँ बनने की सलाहियत अता फरमा देते हैं और यह सलाहियत उम्र के काफ़ी हिस्से तक रहती है। यानी जब एक औरत तकरीबन 40 साल से ऊपर हो जाती है तो फिर अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता उससे ये सलाहियत वापस ले लेते हैं और 50 साल तक की उम्र तक जब कोई औरत पहुंचती है तो तकरीबन 98% औरतों से ये सलाहियत वापस ली जा चुकी होती है। यानी जब तक औरत 18 साल से लेकर या बालग होने से लेकर जब से उसे हैज या मवारी आ रही होती है उस वक़्त से लेकर इस उम्र तक बच्चे पैदा कर सकती है, क्योंकि उसकी बेज़दानी से एक ऐसे अंडे अखराज होते हैं जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और ये तकरीबन सन यासन यानी मेनोफास तक जारी रहते हैं। नाजरीन, ये उम्र की जो हद है वो तकरीबन 40 से शुरू होती है और 50 तक ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर औरतें 45, 46, 47 तक की उम्र तो पहुँच जाती हैं और फिर उसके बाद उनको सन यासन या मेनोफास का पीरियड शुरू हो जाता है। नाजरीन, इसके अलावा कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो तिबी वजूहात की बना पर शुरू से ही बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, उनका इस सन यासन या इससे कोई ताल्लुक नहीं होता क्योंकि वो शुरू से ही बच्चे पैदा करने की सलाहियत उनमें नहीं होती। दूसरी बात कि कौन सी औरतें बच्चे ज़्यादा पैदा कर लेती हैं, तो नाजरीन, बच्चे ज़्यादा पैदा करना इंसान के बस में नहीं, मगर ये ज़रूर है कि वो लड़कियां जिनकी शादी अर्ली एज में यानी शुरू की उम्र में हो जाती है उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, या जो वो औरतें जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होती हैं तो उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ऐसी किसी प्रॉब्लम या तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता जो बच्चों की पैदाइश में तख़ीर का बाइस बने। नाजरीन, इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।